हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब गाइस? आज मैं बहुत ही कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपकी स्किन में होने वाले पिगमेंटेशन हो या मिलाजमा या डार्क स्पॉट हो, उन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। सो आइए बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। तो सबसे पहले गाइस, हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून पोटैटो जूस, यानी कि आलू का जूस। आलू आप जानते हैं ब्लीच की तरह काम करता है। फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी एलोवेरा जेल, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 पिंच वाइल्ड टर्मरिक, अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप किचन हल्दी का यूज नहीं करेंगे, उससे आपकी स्किन और ज़्यादा डार्क होने हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस ऐड करूँगी एंड सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो जाए। फिर यहाँ पे देखिए, मेरी कंसिस्टेंसी जो है ये बनकर तैयार हो गई है, अब ये मेरे फेस पे लगने के लिए रेडी है। तो चलिए आइए हम फेस पे लगाकर दिखाते हैं। आपको बता दूँ, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारे खान पान में विटामिन सी, विटामिन ई या फिर B12 की कमी आ जाती है तो इसकी वजह से फेस पे या फिर बॉडी में पिगमेंटेशन या मिलाजमा या फिर डार्क स्पॉट हुए तो ये सब होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसके लिए आपको विटामिन सी वाले फ्रूट्स हों या वेजिटेबल हो वो खाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ को डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा लगाइएगा। फिर यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद यहाँ पे देखिए, मेरे 10 मिनट हो चुके हैं तो सेमी ड्राई हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैं पानी सा रिजॉल्व कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पानी के साथ रिजॉल्व कर लिया, मेरी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, ग्लो कर रही है। आपको हफ्ते में 3 बार इसको जरूर से लगाना है, तभी ये रिज़ल्ट अच्छे से वर्क करेगा। और अपने एक डाइट को अच्छे से शामिल करिएगा विटामिन सी वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।